नगर पालिका नगर पालिका चुनाव का बहिष्कार करेंगे 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 चुनाव का बहिष्कार करेंगे 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 जब तक। फर्रुखाबाद में आने वाली 11 तारीख को निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है। इसी के साथ एक फर्रुखाबाद में बड़पुर क्षेत्र में एक मोहल्ला है और इन्हीं जाने कौन सा मोहल्ला है और यहाँ पर चुनाव के बहिष्कार की सूचना आ रही थी, तो इसलिए हमारी टीम ने यहाँ जाना। आप पीछे देख सकते हैं, हम चाहेंगे कैमरामैन दिखा दें कि यहाँ पर सभी जो मोहल्ले के वासी हैं उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया हुआ है और क्यों चुनाव का बहिष्कार किया है वो इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है? शशि कुमार तिवारी। क्या मामला है, क्यों आप लोग सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और चुनाव का बहिष्कार क्यों? हमारे यहाँ महोदय ये करीब 4-5 महीने से परमानेंट पानी भरा, उससे पहले बरसात भरता था वो अलग बात है, लेकिन 4-5 महीने से हमारे परमानेंट ये सड़क पे पानी भरा हो जिसका कोई निदान नहीं हुआ। हम लोगों ने तहसील दिवस से लेकर जिलाधिकारी महोदय तक पे हम लोगों ने एप्लीकेशन दी, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं उसमें हो रही। हमारे यहाँ के सभी घर में आज स्थितियाँ ये हैं कि सभी लोग बीमार पड़े हैं, मच्छर की वजह से यहाँ बीमारियाँ इतनी हैं, लोगों के पैर यहाँ सड़ रहे हैं, और लेकिन शासन प्रशासन की उसकी कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम कराया जाए। ज़्यादा कहा जाता तो एक बार पंप लगवा के पानी खत्म, सवेरे फिर पानी भर जाता है। साफ साफ तौर पर कहा जा रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, स्वच्छता के प्रति सरकार भी बहुत सजग है, अधिकारी भी बहुत सजग हैं, नेताओं की अगर बात कर लें वो भी बहुत सजग हैं, तो आप लोगों ने कितनी बार शिकायतें की तो आपकी सुनवाई नहीं हुई? कई बार शिकायत की गई है, लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं स्वच्छता अभियान की, स्वच्छता अभियान के बारे में हम क्या कहें, आप सामने देख रहे हैं कितना बड़ा जल भरा हुआ है, यहां से बच्चे नहीं निकल पाते हैं, लोग नहीं निकल पाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, अब यहां हमारे यहां पीछे प्रोग्राम हो रहा है, कुछ लोग अपना धार्मिक प्रोग्राम कर रहे हैं, उनको घूम के उधर से घूम के आना पड़ता है। अगर छोटे छोटे बच्चे बाई दफे कोई माँ कोई बहन अपना बच्चा बाहर रह जाता छूट जाए तो उसमें डूब जाएगा। प्रशासन बिल्कुल नहीं सुन रहा है, उसको कोई परवाह नहीं, कहीं स्वच्छता अभियान नहीं, प्रशासन का इसके ऊपर कतई ध्यान नहीं। कई बार उनको जिलाधिकारी को भी यहाँ से प्रार्थना पत्र दिया गया, कुछ लोग गए हैं मोहल्ले से जाके कहा गया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं अभी। कभी कोई अधिकारी यहाँ पर विजिट करने आया, देखने आया? जिलाधिकारी जी आए, देख गए, उसके बाद इस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। और लिहाजा हम लोग ये चाहते हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोगों को बहुत दिक्कत है, हमारे बच्चों को परेशानी है। अगर हमारा निदान नहीं होता है, हमारी समस्या कोई ध्यान नहीं देता अधिकारी, तो हम लोग चुनाव का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। अच्छा, अगर बात कर लें इस ये कौन सा मोहल्ला है और क्या वार्ड नंबर है? ये कृष्ण कॉलेज के पीछे पड़ता है, इसमें अभी वार्ड नंबर हमारा लगता है 5। सभासद कौन है यहाँ का? हमारे यहाँ सभासद है धर्मेंद्र कनौजिया। उनसे कभी इस बात को लेकर आपने चर्चा की? उनसे हमेशा चर्चा की उनसे, लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ देखने भी नहीं, इतना सा हम लोग कर रहे हैं लेकिन आज दिन तक वो देखने तक नहीं आया यहाँ पे। देखिए निकाय चुनाव चल रहा है, अभी भी काफी प्रत्याशी होंगे, क्या वो आ रहे हैं कुछ समस्या का समाधान करने के लिए, कुछ आश्वासन दे रहे हैं क्या? नहीं, अभी यहाँ एक दो शुरुआत में एक दो प्रत्याशी आए, उनका हम चुनाव बाद देखेंगे, लेकिन वो देखना तो कुछ नहीं, चुनाव हमें बात तो सभी देखते हैं, हमें जो पहले देखेगा वो उसका हम समझेंगे। अच्छा, मुख्य रूप से बात कर ली जाए, अगर ये जल भराव जो इतनी बड़ी समस्या बनी हुई है, इसका मुख्य कारण क्या है, क्यों यहाँ पर ये जल भराव? हाँ, इसका मुख्य कारण है, ये हमारे रोड बना, इधर पानी की निकासी नहीं थी बिल्कुल, और उस स्थिति में हम लोगों ने इसका विरोध भी किया, जब इधर निकासी नहीं तो ढलान इसको क्यों इधर कर रहे हो, लेकिन इसमें सोहेल अहमद जो हमारे इंजीनियर थे उन्होंने एक नहीं सुनी, लेकिन पानी यहाँ खेतों में छोड़ दिया गया, जब तक गड्ढों में क्षमता थी पीते रहे, अब गड्ढों की क्षमता खत्म हो गई, रोड पे पानी आ गया, जिसकी ढलान इसको बैक साइड पे करनी चाहिए थी, उन्होंने ढलान गलत करके आज हम लोगों के लिए नरक पैदा कर दिया। तो आप देख सकते हैं, आपने जैसे कि स्क्रीन पर भी देखा हो किस प्रकार से यहाँ पर जल भराव है, बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं पुरुष बच्चे एकत्रित हुए और चुनाव का बहिष्कार कर दिया है, और कहीं ना कहीं जिलाधिकारी भी इस स्थल पर आके निरीक्षण कर चुके हैं और नगर पालिका को आदेश भी दिया था कि समस्या का समाधान करें, लेकिन उसके बाद भी ये समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो आपने क्या सोचा है कि मतलब चुनाव 11 तारीख को वोटिंग होनी है तो बिल्कुल वोट नहीं डालना है? हाँ नहीं, बिल्कुल संपूर्ण बहिष्कार रहेगा। लगभग कितने वोटर होंगे इस क्षेत्र में जो इस चुनाव बहिष्कार को प्रभावित करेंगे? हमारे यहाँ अगर ये सभी बहिष्कार लगे 5,000 वोटर रहेंगे। हाँ, 5,000 वोट होंगे वो चुनाव में वोट नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे, बिल्कुल नहीं डालेंगे। क्या अगर कैसे समस्या समाधान हो जाता है तो डालते हैं? हाँ, समस्या समाधान होगा तो हम लोग हैं, हम लोग अधिकार है हमारे डालने का, अगर समस्या समाधान होता तो डालेंगे, अन्यथा नहीं डालेंगे। तो साफ तौर पर जैसा कि इन लोगों से बात करने के बाद पता चल पा रहा है कि जब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं होता है वो इस बार जो चुनाव का जो बहिष्कार करेंगे, अगर चुनाव का बहिष्कार तभी मानेंगे जब इनकी समस्या का समाधान हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, PPF लाइव, फर्रुखाबाद।